गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग चैप्टर टाइम एंड कैलेंडर पढ़ रहे थे, चैप्टर 12। आज हम लोगों ने 12.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों को पढ़ना है टाइम बिफोर एंड आफ्टर। आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 175 ओपन कर लेंगे, ठीक है। टाइम बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। अब जैसे ये बोल रहा है कि द शो विल स्टार्ट एट 7:15 PM, इट इज़ अ 1 आवर longer शो। वैन विल, मान लो कि एक शो जो है वो 7:15 पे स्टार्ट होता है और वो 1 आवर का है, तो कितने बजे ख़त्म होगा? तो 7:15 में 1 आवर प्लस कर देंगे तो 8:15। ये जो 1 आवर है वो 7 में प्लस हो रहा है, क्योंकि ये आवर का बताता है और ये मिनट्स में बताता है, ठीक है ना। और अगर बिफोर की बात करेंगे, आफ्टर की बात करेंगे तो प्लस होगा, बिफ़ोर की बात करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, ड्रॉ द हैंड टू शो द टाइम 1 आवर बिफोर एंड 1 आवर आफ्टर। अब देखो इस समय बज रहे हैं कितने, 2:30, है ना, 2:30। तो 1 आवर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1:30 हो जाएगा ना। तो छोटी सुई आपकी 1 पे हो जाएगी और बड़ी सुई 6 पे हो जाएगी। और आफ्टर तो क्या होगा, छोटी सुई आपकी 3 पे हो जाएगी और बड़ी सुई 6 पे हो जाएगी। 3 past, वो मतलब कि 3:30 हो जाएगा। अब देखो ये हो रहा है 11:15 हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 आवर बिफोर, तो ये हो जाएगा 10:15, ठीक। और आफ्टर में 12:15 हो जाएगा। ये वाला आप ड्रॉ करेंगे, ओके। राइट द 2 आवर्स बिफोर दीज टाइम्स, 2 आवर बिफोर, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5:30। 5:15 में से 2 माइनस करेंगे तो 3:15। अब ये 9 वाला आप करिएगा, ओके। राइट द टाइम 3 आवर्स आफ्टर, 3 आवर्स आफ्टर, 3 घंटे बाद, 3 आवर्स के बाद, है ना। तो यानी कि प्लस करेंगे तो 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9:30। 11 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 के बाद 12 होगा, 12 के बाद फिर 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, है ना। और ये देखो 8 में हम लोग 3 प्लस करेंगे तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हुआ, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, तो 11:45 हो गया ये। अब देखो, अमृता वेंट टू मार्केट एट 10 AM एंड स्टे फॉर 2 आवर्स। अमृता जो थी वो मार्केट गई 10 AM पे और दो 2 आवर्स वो मार्केट में रही। तो व्हाट टाइम डिड शी लीव द मार्केट, तो 2 आवर्स इसमें प्लस कर देंगे तो लिखेंगे 12 noon, 12 बजे एकदम एग्जैक्ट होंगे तो उसको नून लिखेंगे, ओके। राम गेट्स अप 6:45 AM, ही टेक 1 आवर टू गेट रेडी फॉर स्कूल, एट व्हाट टाइम इज ही रेडी फॉर द स्कूल। 1 घंटा उसको तैयार होने में लगता है तो इसमें प्लस कर दीजिए 7:45 AM, हो गया। अब इसी तरीके से ये 6 वाला, रितु वेंट टू वॉच अ मूवी, द मूवी स्टार्टेड एट 4:15 PM, द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी वॉज 2 आवर। 2 आवर्स की मूवी है, 4:15 पे स्टार्ट हुई है तो कितने बजे ख़त्म होगी, 2 को प्लस कर देंगे 4 में तो 6:15 पे ख़त्म होगी PM, ठीक। अब देखो यहाँ पर, द न्यूज़ ऑन TV स्टार्ट 8:05 PM, इफ़ द न्यूज़ लास्ट फॉर 20 मिनट्स, वेन डज द न्यूज़ फिनिश। देखो 20 मिनट्स हैं तो मिनट्स में प्लस करेंगे तो 8 तो वही रहेगा, 5 में 20 प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, हो गया। चलो अब हम लोग आगे करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर आप लोगों को पता है 12 मंथ्स का ईयर होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एक 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और या 12 मंथ्स होते हैं, है ना। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ एंड दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ। सम मंथ्स हैव 30 डेज, किसी में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं। और जो फरवरी होता है उसमें कभी कभी 28 होते हैं और कभी 29 डेज होते हैं, है ना। और जिस साल जिस फरवरी में 29 ईयर्स होते हैं उस ईयर को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, ठीक। और उस साल जो होते हैं वो ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। और देखो कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर में।
फॉल, और ये 30 डेज किस में होते हैं, अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर में, और हर मंथ में वीक में डिवाइड होता है, और हर वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक यही डेज होते हैं। ओके तो चलो अब हम लोग इसको आगे का काम करते हैं, एक्सरसाइज। देखो कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द मंथ एंड नंबर ऑफ डेज इन विच मंथ इन ईच मंथ। मंथ पहला कौन सा होता है, जनवरी, ठीक है। देखो ये पहला मंथ होता है ना, जनवरी। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। फरवरी में 28 डेज इस साल होंगे, है ना। मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 30 डेज, यहाँ देखो कौन कौन से मंथ्स हैं, यहाँ से भी तुम देख सकते हो, काउंट कर सकते हो किसके में एग्जैक्टली 30 डेज होते हैं, कितने मंथ हैं। अप्रैल है, जून है, 2, 3 और 4 मंथ्स। और हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज, 7 मंथ्स हैं। विच टू कॉन्जिक्यूटिव मंथ हैव सेम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कौन कौन से हैं, जुलाई और अगस्त, जुलाई एंड अगस्त दोनों में 31 डेज है ना, देखो ठीक। लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2019 का आप कैलेंडर देखेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्राइडे इन द ईयर, टोटल नंबर ऑफ फ्राइडे कितने हुए एक साल में, ये आप काउंट करके इसमें लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश वॉज द फोर ईयर वॉज द ईयर फोर ईयर बैक, कौन का 2019 का फोर ईयर बैक में क्या हो जाएगा, 2015, ठीक है ना। आफ्टर 7 ईयर्स प्लस कर दो 2026। डू ऑल द मंथ है 5 सैटरडे एंड 5 संडेज, किसमें हैं काउंट करके लिखेंगे। वॉट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, कौन सा था, वॉट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर, आप अपने मोबाइल में 2019 का कैलेंडर देख लेंगे। ओके चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।